अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार अभी बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है, थोड़ी सी धूप में निकलता हूँ, थोड़ी देर के लिए धूप में निकलता हूँ तो पसीना आना शुरू हो जाता है। ये देखिए, अरे सूरज यार थोड़ा रहम कर ले, ऊपर सर के आया हुआ बिल्कुल और पसीना भी सर से ही निकल रहा है। आप दोस्तों हैरान होंगे ये सुनकर के मैंने अभी तक इन मुर्गियों को छोड़ा ही नहीं। वजह दोस्तों ये है कि मैं रात को लेट सोया था और सुबह को भी लेट उठा हूँ, और अभी सूरज देख लीजिए कहाँ पर है और मुर्गियाँ बेचारी हमारी, बस क्या बताऊँ। आप पूछोगे टर्की बर्ड्स के साथ क्या किया है, तो यार वो भी अभी तक यहाँ नहीं आए। घर से लाकर दोस्तों मैंने इनको यहाँ रखा और ये धूप में जो है ना एंजॉय करने लग गए हैं। पता नहीं इनको धूप पसंद है, और भाई मेरा बुरा हाल है धूप के अंदर और तुम लोग धूप में बड़े मजे से लेटे हुए हो। इन चूजों को छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं अपने गेज की सूरत हाल आपको दिखाता हूँ। गेज अभी तक हमारा सिर्फ इतना ही है, इसी धूप के अंदर मैंने ये गेज ये वाला हिस्सा सारा यहाँ तक मुकम्मल करना है। लो जी यहाँ इनके काम चेक करें, टर्की बर्ड्स को मैंने वहीं पिंजरे के अंदर रखा हुआ है ताकि ये धूप में रहे, क्योंकि ये वाला जो है ये तो छांव में है। और इनके काम चेक करें, इनके गेज पर हमला कर दिया, क्योंकि रात को मैंने इनको थोड़ा सा दलिया डाला था और दलिया वो इनके गेज में रह गया, वो खाने के लिए वो यहाँ पर आ गए हैं और वो बेचारे वैसे ही देख रहे हैं लेटे हुए हैं। चलो इंजॉय करो तुम, अपना काम शुरू करते हैं। ये गई पड़ी हुई है, इसको उठाता हूँ। लो जी मिट्टी हमने उखाड़ ली, अब इसके अंदर हम पानी डालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस मैडम को पानी डालना होगा, प्यासी हैं। और यहाँ पर आ गई है ये मैडम साहिबा। शुक्र है टर्की बर्ड्स के गेज की जान छोड़ दी। और यार ये देखे कैसे इन्होंने अपना मुंह खोल लिया, इनको गर्मी लग रही है, पानी इनका भी चेंज करने वाला है वैसे। खीर लेवल का गर्म पानी है यार, उंगली अब थोड़ा ठंडा आया है, अभी फिर गर्म हो गया है। तो वह तो वह 5 मिनट के बाद ठंडा पानी निकला, और ये रखता हूँ इनको। पानी गिर गया यार, चलो जाओ शाबाश, चले जाओ खुद ही। मुर्गियों का पानी भी मैंने उनके गेज में रख दिया। अब टूटी को पाइप लगा हम ये गारा बनाते हैं। चलो जी पाइप लग गया, टूटी चला देते हैं। हाय वे, गारा मैंने बना ली और तस्ले में डाल के यहाँ पे भी रख दिया। अब ये ईंटे जोड़ना शुरू करता हूँ, लेकिन मैं वीडियो साथ साथ नहीं बना सकता क्योंकि गर्मी की वजह से मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। अभी मुझे खुद को भी पानी लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये काम स्टार्ट करूँगा। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो पसीना किस तरह आया अपना मुझे। इसको जाके चार्जिंग पे लगा देता हूँ, थोड़ा ये ठंडा होगा, उसके बाद कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करूँगा, फिर काम बनेगा हमारा। दोस्तों अभी मैं सिर्फ इतना सा बना सका हूँ और मेरी हालत चेक कीजिए, परेशान ना होइए, ये पसीना नहीं है बल्कि पानी है। मैं अभी नहा के हटा हूँ यार, बहुत ज़्यादा पसीना और गर्मी, दिमाग गर्म हो रहा था, गुस्सा चढ़ रहा था, ऐसा सीन हुआ था, दिल नहीं कर रहा था काम करने को। फिर मैं नहाया हूँ, अब इतना सा ये जो है ना मैंने मुकम्मल कर लिया। ये जाली यहाँ पर लगा दी है, जो फ्रेम में बनवा के लाया था वर्कशॉप से, ये मैंने यहाँ पर लगा दी है। और ये देखिए, ये ना इसको यहाँ से मैंने सपोर्ट दी है, और ये शायद बाद में हम उतार भी दें, तो अगर ये मजबूत हो गई ना, अब ये हिल रही है, इसके ऊपर जो वेट रखेंगे फिर शायद सेट हो जाएगा काम। दोस्तों इतना हिस्सा मैंने दरवाजे के लिए छोड़ा है, इतना चौड़ा नहीं होगा, यहाँ पर जितनी चौड़ाई का हम दरवाजा बनाएंगे ना वो पड़ा हुआ है, लेकिन वो उखाड़ने वाला है। मेरे चाचू के घर लगा हुआ है वो दरवाजा को, गेज को, तो वो उखाड़ के मैंने यहाँ पे लगाना है, तो उसकी चौड़ाई का मुझे मालूम नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ईंटे इसी वजह से नहीं लगाई, क्योंकि अगर उसकी चौड़ाई कम हुई तो यहाँ ईंटे लगा के हम उसकी चौड़ाई को पूरा कर सकेंगे। मुर्गियों को मैंने अभी तक छोड़ा, मुर्गी अभी गेज की तरफ गई है, वरना यहाँ पर बैठी हुई थी बड़े सुकून से। अब मेरे ख्याल में इसने अंडा देना है, इसलिए दोबारा गेज में वापस आ गई है। मैं दोस्तों काम दोबारा शुरू करता हूँ, लेकिन अभी मैं पाइप पकड़ के 5 मिनट नहाऊंगा, उसके बाद फिर काम शुरू करूंगा। धूप में काम करना इतना आसान नहीं है यार, अभी काम स्टार्ट करता हूँ, ये हाथ के साथ ही मैं कर रहा हूँ यार।
वीडियो दोस्तों बंद हो गई थी, इतनी इतनी धूप को हमारा मोबाइल बर्दाश्त नहीं करता। दोस्तों गेज बनाने की वीडियो मैं यहाँ पर मोबाइल रख के बना रहा था, तो यहाँ से जो है ना सूरज ऊपर पड़ रहा था और मोबाइल ओवरहीट होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। इस वजह से जो है ना मैंने अभी इतना बना लिया है। यहाँ पर जो है ना मुझे वेट रखना पड़ेगा एक कोई सीमेंट का बना कर, तो वो तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी यह काम यहीं पर रोक दिया। फिर कल इसको शुरू करेंगे और ये वेट भी कल तक इंतज़ाम कर लूँगा। इसका दरवाज़ा भी बनवा के लाएंगे कल वर्कशॉप से, और इसको कल इंशाल्लाह कल या परसों तक इंशाल्लाह इसको हम मुकम्मल कर लेंगे, अगर कोई दरमियान में कुछ हुआ ना तो ये मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी दुआ कीजिए। बड़ा मुश्किल है यार मेरे लिए ये बनाना, और ये हम मैं तीसरी बार नहा चुका हूँ, मेरे लिए ये बनाना इंतहाई मुश्किल रहा है, क्योंकि पहले मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं बनाई, अब पहली बार ये बनाया है। और ये देखिए ना, यहाँ से मुझसे दीवार टेढ़ी हो गई थी, ये देखिए, ये फिर दोबारा इसका थोड़ा सा अंदर करके मैंने सीधा किया। इसी तरह यहाँ से भी दीवार टेढ़ी है, वो वाली दीवार भी थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन चल जाएगा काम, कुछ नहीं होगा, मजबूत है ये, हिलता नहीं है। तुर्की बर्ड ने दोस्तों अपना पानी सारा गंदा कर दिया है, इनका पानी भी मैं चेंज करता हूँ। ये ईंटे मेरे पास खत्म हो चुकी थी, यहाँ पर और ये वाली पड़ी हुई थी। अब्दुल्ला ने आकर फिर मेरी हेल्प की, इसने वहां से ईंटे उठा के मुझे वहां पर दी, फिर मुझे आसानी हो गई गेज बनाने में थोड़ी। अब्दुल्ला मुर्गियों के गेज पर मैंने पानी का छिड़काव करके ना अंदर भी छिड़काव कर दिया। ये देखिए अभी ये थोड़ी सी नहाई हुई है, लेकिन इसने अभी तक अंडा नहीं दिया, पता नहीं क्या मसला है इसको, शायद आज इसका नागा हो। अभी दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो में कल आपके साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।